स्वागत है आप सभी का आई टी एक्स में यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज जो हमारी क्लास होने वाली है मैकेनिकल डीजल वालों के लिए होने वाली है। दोस्तों जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जिसमें हम बेसिक से कंप्लीट कर रहे हैं आप चैप्टर वाइज, ठीक है। जैसे कि आप लोग कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें बेसिक से पढ़ना है, तो हम बेसिक से आपके लिए क्लासेस लेकर आए हैं। तो दोस्तों हमारा चैप्टर में जो उसमें पॉइंट थे इंपॉर्टेंट, कुछ प्रतिरोध वगैरह, ओम्स लॉ वगैरह, जो पिछली क्लास हुई है उसमें मैंने सब डिस्कस किया है। जो आज की क्लास हुई है मैं आपके लिए कुछ वैद्युतिक जो पदार्थ होते हैं, जैसे चालक पदार्थ हो गए आपके, और आपके जो कुचालक हो गए, और फिर आपके हाँ हो गया आपका अर्धचालक हो गया, तो इन टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो इन टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ चालक पदार्थ के बारे में, तो चालक पदार्थ होते क्या हैं? तो जो ऐसे पदार्थ जिनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का प्रभाव आसानी से हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। यानी ये कहने का मतलब ये है जिनमें करंट का फ्लो आसानी से हो जाए। मान लीजिए मेरे पास कोई भी चीज़ है, अब इसमें कई चीज़ें आती है, जैसे चांदी हो गया आपका, चांदी हो गया, और तांबा, अब एल्यूमिनियम, वैसे तो कई सारे होते हैं बट हम तीन ही लिखेंगे क्योंकि ये तीन ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जिस एग्ज़ाम में पूछ लेता है जो सबसे ज़्यादा चालक पदार्थ होता है जिसमें विद्युत का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, तो वो किस में होता है? वैसे तो गोल्ड में होता है, सोने में सबसे ज़्यादा होता है, फिर सेकंड नंबर पे आता है चांदी, फिर तांबा, फिर एलुमिनियम, ठीक। तो ज़्यादातर हम यूज़ किसका करते हैं? हम एलुमिनियम का करते हैं क्योंकि ये सस्ता पड़ जाता है, ठीक। कम हम वैसे तांबे का करते हैं बट कम यूज़ करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो इसमें जो हो गया आपका, जो प्रत्येक चालक में कुछ ना कुछ प्रतिरोध रेजिस्टेंस होता है जो विद्युत को बहने से रोकता है। तो जिन चालकों के विद्युत आसानी से गुजर जाए, यानी कि जिस भी चालक में जो विद्युत है वो जो आसानी से गुजर जाए, वह क्या होते हैं? अच्छे चालक कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मेरे पास कोई वायर है, ठीक, तो उसमें करंट जो है वो आसानी से फ्लो हो जाए, तो जो फ्लो करंट हो रहा है तो आसानी से फ्लो हो रहा है, तो वह क्या हो गया? मेरा चालक पदार्थ हो गया। अब मान लीजिए मेरे पास कोई करंट लगने वाला सिस्टम, मान लीजिए जिसमें हमें करंट लगता हो, ठीक, जिसमें करंट लगने का खतरा हो। अब मान लीजिए मेरे पास मैंने कोई तांबे की छड़ ले ली, और तांबे की छड़ को किसी जो आपकी किसी जो जो आपकी लाइनें वगैरह जाती हैं जिसमें एसी सप्लाई होती है, तो अगर मैं इस तांबे की छड़ को उन वायर पर लगा दूं तो जाहिर सी बात है हमें करंट तो लगेगा ही। तो जो है यानी कि जो तांबा है वो विद्युत का विरोध नहीं कर रहा है, वह आसानी से इसका फ्लो कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? चालक पदार्थ हो गया। अब बात करते हैं हम अर्धचालक के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं? अर्धचालक के बारे में। तो जो ऐसे पदार्थ जो न तो अच्छे चालक होते हैं और न ही बुरे अचालक होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया। तो इसके दो एग्जाम्पल क्या हो गए? सिलिकॉन और क्या हो गया आपके? सिलिकॉन और सेकंड नंबर पर आता है आपका जर्मेनियम। तो ये जो इसके जो पॉइंट होते हैं, ये दो इसके मेन होते हैं इसमें पॉइंट, ठीक है। तो या ना तो ये अच्छे चालक होते हैं और ना ही अच्छे कुचालक होते हैं। ये अर्धचालक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक, अर्धचालक के बारे में। अब बात करते हैं हम कुचालक के बारे में। कुचालक क्या होता है? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है भैया। अब कुचालक भी तीन प्रकार से होता है। एक नंबर वन पाया जाता है ठोस में। किसमें? नंबर वन पाया जाता है ठोस में। सेकंड नंबर पे पाया जाता है द्रव्य में, ठीक है, और थर्ड नंबर पे पाया जाता है ये गैस में। तीन तरह का ये पाया जाता है। अब ठोस में कैसे पाया जाता है? बाजार में जो कई ठोस कुचालक उपलब्ध होते हैं और उनका उपयोग भी हम उन गुणों के अनुसार ही निम्न स्थान है उन पर हम करते हैं। जैसे कुछ उपयोग में आने वाले जो ठोस कुचालक होते हैं, जैसे कि जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वो हो गया आपका लकड़ी, एस्बेस्टस और कपास, कागज, यानी कि अब वही एग्जाम्पल हम लाइन वाला समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई आपके जो घरों के ऊपर से जो वायर जाती है, सप्लाई जाती है, तीन जो चार फेज होते हैं उस पर, अब आप जब आप जो वायर होता है आपके घर का कनेक्शन होता है मेन, उस पर जो लगा होता है, तब क्या कैसे करते हैं? लकड़ी के जो लकड़ी होती है उससे हम उसको टच करते हैं क्योंकि लकड़ी में हमें करंट नहीं लगता। तो लकड़ी क्या हो गया आपका? अच्छा कुचालक होगा, यानी कि जिस चीज़ से हमें करंट ना लगे वह क्या होगा आपका? कुचालक हो जाएगा। तो यानी कि लकड़ी आपका कुचालक होगा,
ठीक। अब सेकंड नंबर पे आता है एस्बेस्टस भी हो गया आपका। एस्बेस्टस क्या है? ये एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, इसका जो उपयोग होता है वो पैनल कोड बनाने में, जैसे रेगुलेटर आदि में हम इसका प्रयोग करते हैं, ये आपका एस्बेस्टस होता है। ठीक है, एस्बेस्टस, ठीक है, जैसे रेगुलेटर जो होते हैं ना आपके, तो उनमें हम इसका उपयोग करते हैं, ये ज्वलनशील पदार्थ होता है। अच्छा, फिर क्या हो गया आपका? कॉटन हो गया यानी कपास हो गया। अब आता है आपका कागज़ वगैरह, ठीक, कागज़ हो गया और डामर, अम्भरक, माइका जैसे कई सारे पदार्थ जो होते हैं आपके, वे क्या होते हैं आपके, कुचालक होते हैं। ठीक है, अब बात करूँ मैं जो सेकंड नंबर पे आता है आपका द्रव के बारे में, ये तो ठोस हो गए, वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट इतना ही देखते हैं। और जैसे इसमें रबड़ भी हो सकता है, रबड़, ठीक है, और आपका क्या हो गया, कांच वगैरह हो गया, तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मेन इतने ही होते हैं। ठीक है, इतने याद रखना। अब बात करते हैं हम गैस के बारे में, ये तो भैया होगा ठोस के बारे में, अब गैस के बारे में द्रव्य के बारे में बात कर लेते हैं। द्रव्य में कौन कौन से आते हैं? अब जो द्रव्य कुचालक होते हैं वह होते हैं भैया आपके, जो द्रव्य कुचालक होते हैं जो ट्रांसफार्म का ऑयल होता है, जिसका उपयोग ट्रांसफार्म को ठंडा करने के लिए, जो उसकी विभिन्न कोयलों को एक दूसरे से पृथक करने के लिए हम उसमें रखा जाता है, जो ट्रांसफार्म का ऑयल होता है, और जिसमें जो कुछ अवस्थाएं जो नमी से दूर रखना आवश्यकताएँ होती है, तो उसे अर्ध इलेक्ट्रिकल सामर्थ्य भी ये जो इसकी अधिक होती है। ठीक, तो यानी कि ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर ऑयल पूछ लिया था कि जो ठोस कुचालक होते हैं, जो द्रव्य कुचालक होते हैं, वे किसके श्रेणी में आते हैं, कौन कौन सा आता है, तो देख ले, ऑप्शन दे देगा, ट्रांसफार्मर ऑयल, लकड़ी, कपास, ऐसे कोई भी सारे ऑप्शन दे देगा, तो आपको ध्यान से रखना है। ठीक है, तो जो आप है यह वाइंडिंग जो इंसुलेशन का कार्य करने के साथ भी ट्रांसफार्मर के जो शॉर्ट सर्किट होते हैं या अन्य कारण से लगने वाली आग होती है तो उसमें बुझाने में भी है सहायता करता है, जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है। ठीक है, तो अब बात कर रहे थे गैस कुचालक के बारे में। अब गैस कुचालक क्या हो, जो वायु का इसका जो एक अच्छा उदाहरण है, गैस के बारे में बात कर रहा हूँ, गैस, गैस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे अच्छा उदाहरण में क्या दूँ उसको, वायु, सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो गया आपका, वायु हो गया। सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है इसका, वायु होता है। अब गैसों का उपयोग जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में हम करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इंटरन गैस का इसका उदाहरण हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी गैस की उसमें आती है, जैसे कि आप, मैंने बताया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये ऐसी गैस होती हैं जिसका हम इसमें गैस कुचालक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका कुचालक और चालक और अर्धचालक के बारे में बात। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ मैं विद्युत के प्रकार के बारे में। ठीक है, जो बेसिक जैसे पॉइंट चलते जा रहे हैं, हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, आपके जैसे बेसिक पॉइंट कंप्लीट हो जा रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे इसी चैप्टर से। अब पॉइंट आता है आपका जो विद्युत के प्रकार के बारे में, क्या आता है आपका, विद्युत के प्रकार। जितने भी पॉइंट मैं आपको करवा रहा हूँ ये सभी आपके एग्जाम से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से करिए, मैं सिर्फ शॉर्ट करके आपको बताना चाह रहा हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, ज़्यादा डीपली ले जाकर कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक, तो जो विद्युत होती है वो दो प्रकार की होती है, आपको पता भी होगा कौन कौन सी होती है, एसी और डीसी। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको शॉर्ट नहीं, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, डीपली नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है उतना करवा रहा हूँ, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे आपके सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक एसी और एक डीसी। अब डीसी करंट की आप बारे में, जो इस प्रकार की जो विद्युत धाराएं का मान होता है, वह दिशा होती है, वह अपरिवर्तित रहती है, इनका मान है वह कभी नहीं बदलता। डीसी की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, डीसी की, जो उनका मान है वह कभी नहीं बदलता, ये हमेशा सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, ये हमेशा किसी कैसी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है ना, जैसे कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चल रही है, नेगेटिव है नेगेटिव चल रही है, तो ये होती है आपकी डीसी। अब जो विद्युत सतह जो धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे जो तरफ बहती है वह क्या होती है आपकी डीसी, ये कम से किस होती है, धनात्मक सिरे से यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर यह बहती है। और जो डीसी जनरेटर होते हैं हम इससे प्राप्त कर सकते हैं, डीसी जनरेटर से क्या कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा मोबाइल वगैरह की बैटरी होती है जिसमें यानी कि स्टोरेज डाटा की अगर मैं बात करूँ, स्टोरेज डाटा की अगर मैं बात करूँ तो वह क्या होती है आपकी,
डीसी सप्लाई होती है, यानी कि जो आपके मोबाइल मोबाइल की बैटरी होती है, मोबाइल की बैटरी होती है, इसमें जो बैट जो करंट होता है वह क्या होता है आपका डीसी सप्लाई वाला होता है, यानी कि इसको हम स्टोरेज करके रखते हैं, ठीक है, एक जगह क्या करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं इस, ठीक है। तो ये होता है आपका डीसी सप्लाई। अच्छा, अब इसमें जो मेन पॉइंट आता है, अब एसी के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानेंगे, अब बात कर लेते हैं एसी के बारे में। अब एसी के बारे में बात करूँ तो ये होती है जो उसका मान है वह हमेशा बदलता रहता है। कैसे रहता है? बदलता रहता है। अब यानी कि एक बार तो पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, ठीक है, तो इस टाइप से इसका बदलता रहता है। अब एक मेन मुद्दा मैं आपको एसी और डीसी में जो डिफरेंस है एक बार अच्छे से बता देता हूँ। अब जो डीसी होता है उसमें जो टर्मिनल लगे होते हैं तो ये होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, और जो एसी में होते हैं वो होते हैं आपके न्यूट्रल और फेज। डीसी में क्या होता है? पॉजिटिव, आपने बैटरी देखा होगी मोबाइल वगैरह की, आपके घर में कोई से भी बैटरी वगैरह होगी, इन्वर्टर, जो इन्वर्टर बैटरा होता है इन्वर्टर का, उसमें क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, यानी कि इसमें क्या होगी डीसी सप्लाई होगी। एक बहुत ही अच्छा तरीका है डीसी और एसी को जानने का, ठीक। अगर जो पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक, तो उसमें कौन सप्लाई है? डीसी। और अगर न्यूट्रल अगर फेज है कहीं पर भी, जैसे वायर होता है कोई न्यूट्रल का होता है कोई फेज का होता है, ठीक, तो वो क्या होगा आपका एसी सप्लाई होगी इसमें, ठीक। ये सबसे अच्छा तरीका है ना, तो आप भूलने के तरीके अच्छा है। तो जो हमारे घरों में जो 50 साइकिल पर सेकंड हर्ज की विद्युत है जो सप्लाई होती है, जो धारा शून्य से और होकर उच्चतम धनात्मक मान को प्राप्त करती है, ठीक है, और जो आपकी एसी सप्लाई होती है एसी जनरेटर या अल्टरनेटर से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका, और जो हमारे भारत की जो एसी सप्लाई है वो कितनी है? 50 हर्ट्ज, ठीक है, यानी कि 50 साइकिल पर सेकंड, यानी कि एक साइकिल पूरा होने में ये आपका यहाँ तक साइकिल हो जाएगा पूरा एक चक्कर लगाने में, ठीक है, एक चक्कर, यानी कि 50 साइकिल पर सेकंड के हिसाब से चलती है, हमारे देश की फ्रीक्वेंसी है, ठीक। एसी सप्लाई की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये हो गया आपका एसी और डीसी। अब थोड़े से मेन मेन पॉइंट बता दूँ, अब जो एसी, अब एसी डीसी डीसी में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ, उसके बाद हम ये क्लास समाप्त करेंगे, और जो अगली क्लास होगी इसमें आपके लिए मैं जो न्यूमेरिकल है वो लेकर आऊँगा। अब एसी के बारे में, ये होगा आपका डीसी और ये होगा आपका एसी। एक बात फिर समझ लेते हैं, मैंने आपको बताया एसी जो होता है इसका जो मान होता है हमेशा सीधी चलता है, और ये इस जो एसी होता है वो कैसी चलती है? कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव, ठीक है। अब जो एसी होती है, जो सप्लाई होती है फ्रीक्वेंसी, जो भारत में जो मानक मान है उसका, मैंने आपको बताया कितना होता है एसी का, वो होता है आपका 50 साइकिल पर सेकंड, ठीक है, या हम इसको हर्ट्ज में बोल सकते हैं, यानी कि एच डी हर्ट्ज में बोल सकते हैं। और जो डीसी का फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? शून्य होती है। ये मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डीसी कैसी सप्लाई होती है? शून्य, और एसी की ऐसी होती है हमारे इंडिया में 50 साइकिल पर सेकेंड, यानी कि हर्ट्ज भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जो सिंगल फेज एसी सप्लाई की, जो एक तार का फेज है मतलब, तो दूसरे तार को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल, और एक को क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं, न्यूट्रल और फेज बोलते हैं, एसी की बात कर रहा हूँ। और इसमें क्या होता है? इस डीसी में क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो ये होता है आपका एसी और डीसी। और जो एसी सप्लाई का जो ट्रांसमिशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से बहुत ही अच्छा संभव है, ठीक है। तो इसमें हो गया आपका एसी और डीसी में, आपको अच्छे समझ में आ गया कि एसी क्या होती है और डीसी क्या होती है। जबकि लो वोल्टेज हो, आपने मैंने बताया था आपको पिछली क्लास हुई है उसमें लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के बारे में बताया है। लो वोल्टेज कितनी होती है आपकी? जीरो से आपकी 250 वोल्ट तक, ठीक है। और जो मीडियम वोल्टेज होती है आपकी वह होती है आपकी 250 से 650 वोल्टेज तक, और जबकि हाई वोल्टेज होती है वह होती है 650 से कितनी 11000 वोल्ट तक, और जो एक्सेट्रा हाई वोल्टेज होती है वह होती है आपकी 11000 से अधिक, ठीक है। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट थे आपके, जो मैंने आपको बताया एसी और डीसी में, मैं आपको डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया, और इसमें जो लो वोल्टेज हाई वोल्टेज के बारे में बता दी। जो अगली क्लास होगी मैं इसमें आपके लिए न्यूमेरिकल लेकर आऊँ, जो प्रतिरोध वाले होते हैं, प्रतिरोध से रिलेटेड, ठीक है। प्रतिरोध डेफिनेशन वगैरह तो मैंने समझ ली, लेकिन जो इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं सीरीज़ में
और पैरेलल में जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं वह हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतने दोस्तों, धन्यवाद।